हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 1.5 + 14 + 84। ठीक है, ये हमें गिवन है एक एपी। तो देखो, पहले तो जो हमें गिवन पार्ट है एपी में से लिख लेंगे। भाई फर्स्ट टर्म क्या होती है, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म होती है ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 7। उसके बाद डी, डी होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे है 10.5 - 7। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21/2। भाई 10 + 20 = 21/2 - 7। इसको देखो सिंपल करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ सिंपल। एल से लेंगे, इसका 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे वन टाइम, 1 को 21 से मल्टीप्लाई 21 माइनस 1 को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई 14 माइनस करेंगे तो 7/2। 7/2 है ये, किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 84 क्या है, ये एन है, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या है, 84। अब जब हमें ए एन की वैल्यू गिवन है तो उस ए एन की वैल्यू से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। वही फॉर्मूला, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो, ए एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन एंड डी की वैल्यू है 7/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 7 है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो ये होगा 84, यहाँ प्लस 7 है तो ये होगा माइनस 7 इजिकल टू, यहाँ हमारे पास राइट साइड में एन माइनस 1 इंटू 7/2। इसको सिंपल करेंगे, सिंपल करेंगे तो होगा 77 राइट साइड में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7/2। अब देखो 7/2 है ना, इसको इधर लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, 7/2 है तो 2/7 हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेता हूँ 77 × 7/2 है तो इसको मैं लिख दूंगा इधर 2/7 इजिकल टू एन माइनस 1। 7 से क्रॉस कर देंगे 11 टाइम, 11 × 2 = 22 राइट साइड में है एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू एन या माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो 22 प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 23। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 23। अब इस n की वैल्यू से हम जो Sn का फॉर्मूला हमें याद है ना पहले, उससे हमें सम फाइंड आउट करेंगे। देखो Sn का जो फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ Sn का जो फॉर्मूला, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं उसको। हमने अभी तक पढ़ा है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखो यहाँ से n बाई 2, 2a को मैं पार्ट में लिख लूँ, a प्लस ए लिख लूँ, a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ से n बाई 2 a, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से देखो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जब ए एन लिख दूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस ए एन, तो ये एक फॉर्मूला और हो गया एस एन का। ठीक है, तो एस एन के जब हम ए एन गिवन हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ए एन हमें हमारे पास नहीं है ओनली एन है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, दोनों ही सही है तो हमें यहाँ एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ लिख लेते हैं एस एन, सिंस एस एन का यही फॉर्मूला लेंगे हम, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, हमें क्वेश्चन में ए भी गिवन है ए एन भी गिवन है तो इसी को लेंगे। अब एस एन, एन की वैल्यू है यहाँ पे देखो 23, एस 23 इजिकल टू एन बाई 2, यहाँ लिखेंगे एन की जगह 23 23/2, ए की वैल्यू है हमारे पास 7 और ए एन की वैल्यू हमारे पास है अभी 84। ठीक है,
यहाँ इनको सिंपल करेंगे तो यहाँ पे होगा 23 डिवाइड बाय 2 इन टू, इनको ऐड कर लेंगे 84 प्लस 7 ये होगा 91, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा भाई 20, यहाँ लिख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2093 बाई 2। थोड़ा और सिंपल करेंगे तो ये लिख देंगे 1046 एंड हाफ आंसर। ठीक है, यह है सेकंड पार्ट। यहाँ पे उसी तरह सोल्व करेंगे इसको भी। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ए सॉल्यूशन ए होती है फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास है 34। ठीक है, डी होती है सेकंड टर्म यानी कि ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू है 32 माइनस 34, सिंपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 2। ठीक है भाई, यह है डी की वैल्यू, और हमारे पास यहाँ ए एन की वैल्यू है 10। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो हमें क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला ये होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की जगह लिखेंगे 10 यहाँ से, इजिकल टू ए की वैल्यू है 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस टू। 34 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, यहाँ 34 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 34 इजिकल टू एन माइनस वन इंटू माइनस टू। ठीक है, इनको सिंपल करेंगे तो ये होगा माइनस 24, राइट साइड में है एन माइनस वन इंटू माइनस टू, माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 24 डिवाइड बाई माइनस टू, राइट साइड में है एन माइनस वन। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, टू से ये 12 टाइम कैंसिल होगा तो यहाँ लिख दो 12 इजिकल टू एन माइनस वन, माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो 12 प्लस वन इजिकल टू एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, अब हमारे पास एन की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है और ए एन भी है। ठीक है, तो एस एन इजिली फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, सिंस एस एन इजिकल टू एन बाई टू इन टू ए प्लस ए एन, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, एस एन एन की वैल्यू है 13, 13 इजिकल टू 13 बाई टू इन टू ए की वैल्यू है 34 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है भाई, ए एन की वैल्यू है 10। सिंपल करेंगे यहाँ से 13 बाई टू 44, यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 यानी कि 13 इंटू 22, 13 मल्टीप्लाई बाई 22, इसको यहाँ से 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट आएगी 286, 286, 286 इज द राइट आंसर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, लास्ट पार्ट है ये देखो, हमें एपी गिवन है। ठीक है, इन सब का सम करना है यानी कि एस एन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे जो हमें गिवन है ए की वैल्यू, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है भाई माइनस 5, उसके बाद डी, डी होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास माइनस 8 है, माइनस माइनस 5 इनको सोल्व करेंगे तो माइनस 8 प्लस 5 इजिकल टू माइनस 3 डी की वैल्यू है। उसके बाद ए एन, ए एन की वैल्यू हमारे पास है माइनस 230। ठीक भाई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है तो ए एन के फॉर्मूले से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में एन की वैल्यू हमें ज़रूरी चाहिए, उसी से फॉर्मूला सोल्व होगा। देखो, सिंस ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू है माइनस 230 इजिकल टू ए की वैल्यू क्या है भाई माइनस 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस 3। ठीक है,
अब देखो यहाँ से माइनस टू थर्टी, इधर माइनस है, इसको माइनस फाइव को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, यहाँ माइनस टू थर्टी ऑलरेडी है, माइनस फाइव इधर आएगा तो प्लस फाइव इजिकल टू एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री। इनको सिंपल करेंगे तो आएगा माइनस टू ट्वेंटी फाइव इजिकल टू एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री। माइनस थ्री देखो राइट साइड में है मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ माइनस टू ट्वेंटी फाइव इजिकल टू माइनस थ्री, राइट साइड में है एन माइनस वन। सिंपल करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री से करेंगे तो थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, थ्री फाइव ज़ा ये आएगा सेवेंटी फाइव, यहाँ लिख देता हूँ सेवेंटी फाइव इजिकल टू एन माइनस वन। माइनस वन को इधर लेके आएंगे तो यहाँ लिखेंगे सेवेंटी फाइव प्लस वन, भैया माइनस वन इधर लिखेंगे सेवेंटी फाइव प्लस वन इजिकल टू एन। इनको सिंपल करेंगे तो होगा सेवेंटी सिक्स इजिकल टू एन, एन की वैल्यू आएगी सेवेंटी सिक्स। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास है तो एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एस एन सिंस एस एन की वैल्यू होती है एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो एस एन की वैल्यू क्या है सेवेंटी सिक्स इजिकल टू सेवेंटी सिक्स बाई टू, ए की वैल्यू है माइनस फाइव प्लस ए एन की वैल्यू है माइनस टू थर्टी, माइनस टू थर्टी। ठीक है, देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो सेवेंटी सिक्स टू से डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा टू थ्री ज़ा सिक्स, टू एट ज़ा सिक्सटीन, थर्टी एट। इसको लिख लेता हूँ माइनस फाइव प्लस और माइनस माइनस टू थर्टी, और सिंपल करेंगे इसको लिख लेते हैं थर्टी एट तो ऑलरेडी है, माइनस फाइव और माइनस टू थर्टी को माइनस टू थर्टी फाइव। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर डिजिट आएगी माइनस एट नाइन थ्री ज़ीरो इज द राइट आंसर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।